वो एडजस्ट कर, और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कुछ मैंने कहा कफ और आस्थमा वाले, वो तो मैं इंशाल्लाह एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। और एक एंडोक्राइन, हमारा नेक्स्ट वीक एंडोक्राइन का चलेगा, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ये जो तो एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वो क्या है कि हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, फिर कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, फिर कुछ मिसेलेनियस ड्रग्स हैं और कुछ हार्मोनल एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स हैं। तो ये एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स मतलब कि दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है जी। और बेसिकली ये सारी ड्रग्स वो होंगी, बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इज कैंसर। इट इज बेसिकली इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है, विच आर ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। उनके अंदर इंक्रीज म्यूटेशंस की वजह से देर इज एन इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिविजन, और दिस इज बेसिकली हाउ कैंसर रिजल्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है वो सारी इस तरह से होंगी, और उनका जो काम होगा बेसिकली वो ये होगा कि उन्होंने सेल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करना है या सेल्स को किल करना है। जो अब नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है बॉडी में, उसको उन्होंने या तो किल करना है या उसकी ग्रोथ को कम करना है, ठीक है जी। एंड दे आर मोर टॉक्सिक देन एनी अदर एंटीबायोटिक और एनी अदर ड्रग, ठीक हो गया। अच्छा, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स में? साइक्लोफोसफामाइड है और सिसप्लेटीन है, विच आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स में दे आर 5-फ्लोरोयूरेसिल, मेथोट्रेक्सेट, जेमसाइटेबीन, 6-मरकेप्टोप्यूरिन। एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब ये जो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स ऑफ द सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट डेवलप की गई ड्रग्स हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो है इथोफोसाइड है, पैक्लिटेक्सल है, विनक्रिस्टिन है, ठीक हो गया। फिर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, माइटोमाइसिन। फिर मिसेलेनियस में हमारे पास इमैटिनिब है, सिटक्सीमाब है, और हार्मोनल एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स में हमारे पास प्रेडनिसोन और टेमोक्सिफेन। सही, अच्छा जी। अब हमारे पास जो एंटी कैंसर ड्रग्स है ना, वो दो तरह की हैं। दे आर ईदर सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स और द अदर वन, द अदर ग्रुप इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, ठीक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स मतलब कि ये वो ड्रग्स होंगी जो कि सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर फेज में जब वो सेल्स होंगे वो सिर्फ उस वक्त इंट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। यानी हम कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, आप लोगों को पता ही है सेल साइकिल के जो डोरमेंट सेल्स होते हैं, जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, दे आर इन द G0 फेज, और फिर वो वहाँ से G1 के बाद बेसिकली G0 में एंटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर G2 फेज है, G1 है, G2 है, और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं उसे, S फेज आती है दरमियान में, एंड जो माइटोटिक फेज है M फेज वो होती है, ठीक है। तो इस तरह से सेल साइकिल है। अब जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स है ना, वो दीज आर द ड्रग्स जो सिर्फ उन सेल्स पर एक्ट करेंगी जो सेल साइकिल के किसी पर्टिकुलर फेज में होंगे। और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक मतलब कि वो इस ये ड्रग्स इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगी कि सेल जो है ना डिवाइड कर रहा है या रेस्टिंग रेस्टिंग फेज में है, बल्कि दे आर मतलब वो सेल्स को किल कर देंगी, जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको किल कर देंगी, ठीक है। और लेकिन जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो कुछ मैम ये अच्छा पॉइंट रिपीट कर दें, समझ नहीं आ रहा सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स वो सेल हैं, साइकिल वाला पॉइंट। हाँ मैं बताती हूँ, लेकिन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स वो हैं जो कि ट्यूमर सेल्स पे तभी एक्ट करती हैं जब ट्यूमर सेल्स एक स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल होते हैं। देखो, कैंसर इज बेसिकली प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है ना, उनमें कंटिन्यूअसली सेल डिविजन्स हो रही होती हैं, ठीक है। मोस्टली जो कैंसर सेल्स होते हैं दे आर इन द डिवाइडिंग फेज, ठीक है। अब जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स है ना, वो सिर्फ तभी एक्ट करती हैं जब ट्यूमर सेल्स एक स्पेसिफिक सेल साइकिल के फेज में होते हैं, ठीक है।
और जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ये सेल किसी फेज में है किस फेज में है अपने सेल डिवीजन के, बल्कि वो उनको किल कर देती है। ये ना आगे एक फिगर भी दी हुई है, अगर आप लोग इसको देखने तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाए। ये देखो जैसे ब्लियोमाइसिन का दिया हुआ है कि ब्लियोमाइसिन सिर्फ तभी ट्यूमर सेल्स फाइट करती है जो G2 फेज में होते हैं, ठीक है, उन ट्यूमर सेल्स फाइट करेगी जो G2 फेज में है, सही है। और जैसे इसमें देख लो एंटी मेटाबोलाइट जो है वो S फेज वाले जो ट्यूमर सेल्स होंगे उसको इनहिबिट करेगी, सही हो गया। फिर विनकाइल कैलोरिड जो टेक्सेन्स हैं वो माइटोटिक फेज में, यानी जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं और माइटोटिक फेज में है वो उनको किल करेंगे। ये मतलब है सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स का, ठीक है। सेल ओके मैम, साइकिल नॉन स्पेसिफिक जो है ना रेस्टिंग सेल्स को भी किल कर देंगी, यानी बेशक ट्यूमर सेल्स रेस्ट पे हैं वो तब भी उनको किल कर देंगी, ठीक है। लेकिन देखा ये गया है कि दोनों ड्रग्स उसी वक्त इफेक्टिव होती हैं जब ट्यूमर सेल्स एक प्रोलिफरेटिव फेज में होते हैं, ठीक है ना, यानी ज्यादातर उसमें सेल्स जो है वो डिवाइडिंग फेज में। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि बोथ टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ट्यूमर सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग, दैट इज व्हेन द ग्रोथ फ्रैक्शन इज हाई, ठीक है। तभी ये बेशक दो अलग क्लासेस हैं और थोड़ा डिफरेंस है बट स्टिल ज्यादा इफेक्टिव तभी हैं जब ट्यूमर सेल्स एक्टिवली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है लॉग किल हाइपोथेसिस कि ये जो एंटीजियोप्लास्टिक ड्रग हैं दे आर साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मतलब दे आर टॉक्सिक फॉर द सेल्स, दे आर किलिंग द सेल्स, ठीक है। ये वो ड्रग्स होती हैं। अच्छा इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो इस लॉग किल हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है कि इन विच ऑल दिस इन दिस मॉडल सिस्टम जो कि एक murine मॉडल है इसका वो प्रेजेंट क्या करता है कि इन विच ऑल द सेल्स आर एक्टिवली प्रोग्रेसिंग थ्रू द सेल साइकिल अ गिवन डोज किल्स अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स सेल्स पॉपुलेशन रादर देन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब एक गिवन डोज ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग दी जाती है तो वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स को नहीं किल कर रहा, ठीक है, बल्कि एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स को किल करता है, यानी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर है, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ को जो है ना कम करता है, ग्रोथ को सेल्स को किल करते हैं, ठीक है। आगे भी इसी बात को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्यूमर सेल सेल्स किल बाय एंटी कैंसर ड्रग इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से इन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया है कि 3 log kill डोज ऑफ एन इफेक्टिव ड्रग रिड्यूसेस अ कैंसर सेल पॉपुलेशन ऑफ 10^12 सेल्स टू 10^9 सेल्स, या टोटल किल ऑफ 999 × 10^9 सेल्स, ठीक है। समझ आई ये बात? हम रिपीट कर दें, ऊपर वाले की समझ आ गई डेफिनेशन की। देखो आगे भी फर्दर उन्होंने लिखा हुआ है कि द डोज रिड्यूसेस नंबर ऑफ सेल्स बाय 3 orders ऑफ मैग्नीट्यूड या 3 logs, सही हो गया। अच्छा जी, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉग किल हाइपोथेसिस हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जितनी हमने एक गिवन डोज दी है एंटी कैंसर ड्रग की वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ द ट्यूमर को किल करेगा, ठीक है। वो नंबर ऑफ सेल्स कुछ नंबर ऑफ सेल्स को या एक कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स को नहीं इनहिबिट कर रहा, बल्कि वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स को जो है ना इनहिबिट करता है, ठीक है। और यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ड्रग 3 log kill हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, तो वो 3 logs ऑफ सेल को किल करेगी। क्या मतलब कि अगर जैसे कि हमारे पास किसी ट्यूमर में 10^12 सेल्स हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा सेल हैं, तो एक डोज और जो हमने एंटी कैंसर ड्रग दी है वो 3 log kill हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है, तो फिर एक डोज उस 10^12 सेल्स को 10^9 सेल्स पर ले आएगी, मतलब वो
पावर 3 सेल्स को किल करेगी। सही है। इतनी साइटोटॉक्सिक होती हैं एंटी कैंसर ड्रग्स कि वो लॉगरिथमिकली सेल्स की पॉपुलेशन को कम करती हैं। लाइक नंबर ऑफ सेल्स पे एक्ट नहीं करी होती, वो कुछ नंबर ऑफ सेल्स पे एक्ट नहीं करी होती। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो ये ना ट्यूमर के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। यानी कि अगर वो होता ना कि कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सेल्स पे को किल करी होती, तो यानी ट्यूमर बड़ा होता तो ज्यादा सेल्स किल हो जाते, छोटा होता तो कम सेल्स किल हो जाते, वो कुछ उस तरह से भी बात हो सकती थी। लेकिन ये यहाँ पे बात ये हो रही है कि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स को किल करता है। सही है। इसी तरह इन्होंने आगे इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल्स भी दिए हैं कि अगर इनिशियली ट्यूमर में 10^12 सेल्स थे तो 10^9 तक आ जाएगा। और अगर हमारे पास द सेम डोज वुड रिड्यूस द स्टार्टिंग पॉपुलेशन ऑफ 10^6 to 10^3 सेल्स। अगर बिल फर्स्ट ट्यूमर में 10^6 सेल्स होते तो वो 10^3 सेल्स तक पॉपुलेशन आ जाती। ठीक है। मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ट्यूमर साइज कितना बड़ा है या सेल्स कितने ज्यादा हैं या कितने कम है, नथिंग। बल्कि वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स आर बीइंग किल्ड बाय अ गिवन डोज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है। यस मैम, समझ आ गई है। अब ओके जी। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे इकट्ठी ही डिस्कस हो रही है कि रेजिस्टेंस एंटी कैंसर ड्रग से रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो जाए तो वो क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो वैसे आगे जब हम अलग अलग से भी ड्रग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी साथ हर ड्रग का साथ में लिखा हुआ है कि क्या मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा कंबाइन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो या तो हो सकता है कि इंक्रीज डीएनए रिपेयर हो, यानी ट्यूमर सेल्स में वैसे तो डीएनए में म्यूटेशंस आ रही होती है ना, कॉन्स्टेंट म्यूटेशंस आ रही होती हैं, और जीन्स जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं उनमें भी, और ट्यूमर एक्टिवेटिंग जीन्स जो होती हैं ऑनको जीन्स, उसमें म्यूटेशंस आ रही होती हैं। लेकिन अगर देर इज इंक्रीज रिपेयर ऑफ डीएनए, इंक्रीज रेट ऑफ डीएनए रिपेयर है इन ट्यूमर सेल्स, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो एंटी कैंसर ड्रग है वो इनफेक्टिव हो जाए अगर ट्यूमर सेल्स में डीएनए रिपेयर शुरू हो जाए। ठीक है। तो इसमें क्या ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स और सिस्प्लेटिन से के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस मैकेनिज्म से डेवलप होती है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ट्रैपिंग एजेंट्स, के कुछ एंटी कैंसर सेल्स सॉरी कुछ कैंसर सेल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे एजेंट्स रिलीज करते हैं जो न्यूरोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग के साथ बाइंड कर जाएंगे। कैंसर सेल्स ऐसे एजेंट्स रिलीज करते हैं कर सकते हैं जो एंटी कैंसर ड्रग के साथ बाइंड कर जाएगा। अब अगर एंटी कैंसर ड्रग के साथ ही कोई एजेंट बाइंड कर गया तो वो उसको अपना एक्शन तो परफॉर्म ही नहीं करने देगा। सही है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ट्यूमर सेल्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑफ थायोल ट्रैपिंग एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन। ठीक है। कुछ से ट्यूमर सेल्स ग्लूटाथायोन रिलीज करते हैं जो कि फिर बाइंड कर जाते हैं विद एंटी कैंसर ड्रग्स दैट फॉर्म रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। ठीक हो गया। और इस तरह से रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द अल्काइलेटिंग एजेंट्स ब्लियोमाइसिन सिस्प्लेटिन एंड एंथ्रोसाइक्लिन। तीसरा ये मैकेनिज्म हो सकता है कि टारगेट जो एंजाइम है, अगर कोई एंटी एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक ड्रग ऐसी है जो कि कुछ किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है या हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को टारगेट करती है, तो अगर उस एंजाइम की सेंसिटिविटी में चेंजेस हैं, मतलब उस एंजाइम की अगर इनएक्टिवेशन हो गई है उसकी, उसमें कोई चेंजेस आ गए तो फिर इस एंटी कैंसर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी। फिर हमारे पास डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ प्रो ड्रग्स, जैसे कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसी हैं जिन्होंने बॉडी में जाकर एक्टिवेट होना होता है। ठीक है। वो प्रो ड्रग की फॉर्म में होती हैं फिर उन्हें एक्टिवेट होना होता है बॉडी में जाकर, तो अगर उनकी एक्टिवेशन नहीं हो रही किसी वजह से तो फिर भी हमारे पास एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक ड्रग्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स की, अगर एंटी कैंसर ड्रग्स को ही इनएक्टिवेट कर दिए तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है वो इनएक्टिव हो जाए। किस तरह से कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैपेबल ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंटी कैंसर ड्रग इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर सेल रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द प्यूरीन एंड पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी।
यूरिन एंड पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट्स में इस तरह होता है कि ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए हो जाते हैं जो इन एंटी कैंसर ड्रग्स को इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है जी। फिर लास्ट वही है, डिक्रीज ड्रग एक्यूमुलेशन के इफ्लक्स हो जाता है। हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग है, उसकी सेल्स में पेनिट्रेशन ही नहीं हो रही, उसका इंक्रीज इफ्लक्स है थ्रू द सेल। और एक ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, पी ग्लाइकोप्रोटीन, इसके थ्रू भी ये जो है ना ड्रग्स को आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे पास एंटी कैंसर रेजिस्टेंस, एंटी कैंसर ड्रग्स की रेजिस्टेंस इस तरह से भी डिवेलप हो सकती है। ठीक है जी, ये बात समझ में आएगी सबको। यस मैम। एक मिनट। अच्छा जी, ये ग्राफ रह गया, जरा इसको भी देख लें कि इस ग्राफ में यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने नंबर ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है ना, और यहाँ पे है टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये डॉटेड लाइन जो है ना, डैश लाइन, ये शो करिए कि अगर देर इज नो ट्रीटमेंट तो फिर हमारे पास जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली हो रही है। और कैंसर सेल्स की एक वो बात ये है कि दे डू नॉट कम, जब तक वो क्लिनिकली प्रेजेंट होते हैं तब तक जो है ना ट्यूमर साइज अप्रोक्सीमेटली 10^9 सेल्स तक पहुंच चुका होता है। ठीक है ना, इतना इतना बड़ा ट्यूमर, इतने ज़्यादा सेल्स में है, मतलब इतने ज़्यादा सेल्स प्रोलिफरेट कर चुके होते हैं तब जाकर जो है ना वो क्लिनिकली प्रेजेंट करता है। ये 10^2, 10^3, 4 इस पर तो जो है ना कोई सिम्टम्स आ ही नहीं रहे होते। ठीक है, तो 10^9 सेल्स तक ऑलमोस्ट एक ट्यूमर ग्रो कर चुका होता है, फिर वो क्लिनिकली प्रेजेंट करता है, उसका डायग्नोसिस और सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, फिर वो डायग्नोज होता है। ठीक है, तो बहरहाल अगर यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया तो फिर ये डॉटेड लाइन शो करे कि विदाउट ट्रीटमेंट तो इस तरह से डेथ हो जाएगी एंड ट्यूमर सेल्स इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करते रहते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम इन टाइम जो हमारी एंटी कैंसर थेरेपी है वो स्टार्ट कर दें तो फिर सिम्टम्स यानी डायग्नोसिस और सिम्टम्स जब हमारे पास प्रेजेंट हो गए तब अगर हम स्टार्ट कर दें तो एक्सपोनेंशियली, ये देखें, एक्सपोनेंशियली हमारे पास ग्रोथ डिक्रीज होती है। लेकिन क्योंकि ट्यूमर सेल्स इतना बड़ा है तो देर कैन बी रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स और इंक्रीज इन जो है वो ट्यूमर साइज, बट फिर हम क्योंकि थेरेपी दे रहे हैं तो वो इंक्रीज डिक्रीज करके इस तरह से आगे जा रहा है। ठीक है, और अगर हम उससे भी पहले यानी थेरेपी जो है ना अपनी स्टार्ट कर लें तो तब तो तब भी जो है ना हमारे पास, एक तो आप इस ग्राफ से ये पता लग रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इन ग्रोथ है, बट यू कैन सी कि थोड़ा सा इंक्रीज भी आता है और फिर डिक्रीज आता है, विच मीन्स के एकदम से नहीं वी कैन स्टॉप द कैंसर या हम उसकी प्रोग्रेशन को कम नहीं कर सकते। ऑल्दो हमारे पास जो कैंसर सेल्स हैं वो किल एक्सपोनेंशियली ही कर रहे होते हैं, बट आफ्टर मेनी साइकल्स ऑफ द कीमोथेरेपी फाइनली हमारे पास ऐसा आता है कि ट्यूमर बर्डन 10^0 तक, मतलब 0 नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है। ठीक है, बट अगेन बहुत सारे साइकल्स इन्वॉल्व हैं, और अगर उससे मतलब हम पहले ही डायग्नोस इसकी जब जितनी अर्ली हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी है उतने एक तो कम सेशंस लगेंगे। ठीक है, और टाइम की भी आप लोग स्लॉट देख सकते हैं कि वो कम टाइम लगेगा और ट्यूमर बर्डन 0 आ जाएगा। बट और तीसरी बात जो एक नोटिस करने वाली मैंने अभी डिस्कस की उसको दोबारा मैं कह रही हूँ कि आप ये भी नोट करने की बात है कि देर इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द ग्रोथ। ठीक है जी। अच्छा, अब कीमोथेरेपी किस 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 तरह की होती है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसको डिस्कस करना, लेकिन क्योंकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि एक होती है प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी,
और एक होती है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी और एक होती है एडजुवेंट कीमोथेरेपी। प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि हमारे पास जो कैंसर है ना, जिस तरह से बहुत एडवांस कैंसर होते हैं या जो हमारे पास हेमाटोलॉजिक कैंसर्स होते हैं, ल्यूकीमियाज हो गए या उस माइलोमाज हो गए, लिम्फोमाज हो गए, उस तरह के, तो उसमें ये होता है कि वी कैन नॉट, मतलब द कीमोथेरेपी कैन नॉट एक्चुअली डिग्री, मतलब इतना ज़्यादा वो ट्यूमर बर्डन को कम नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो सिर्फ एक पेलिएटिव थेरेपी होती है कि जो है ना पेशेंट की यही क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाए और ट्यूमर प्रोग्रेशन थोड़ी स्लो हो जाए, ठीक है। वो इस तरह की जो कीमोथेरेपी होती है दैट इज़ द प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी, कि जिसमें वी आर हमें मतलब द ट्यूमर सेल्स कम्प्लीटली किल नहीं हो सकते या हम उसका बहुत ज़्यादा ट्यूमर बर्डन कम नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट टू स्लो द प्रोग्रेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए जितनी पेशेंट की लाइफ है, तो इस वाली जो कीमोथेरेपी है जो हमारे पास हेमाटोलॉजिक क्या कहते हैं कैंसर्स में या एडवांस्ड ट्यूमर्स में जो दी जा रही होती है दैट इज उसको कहते हैं प्राइमरी इंडक्शन कीमोथेरेपी। फिर एक होती है न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, वो दी जाती है अलॉन्ग विद द सर्जरी, यानी सर्जरी से के साथ दी जाती है कि सर्जरी से रिमूव तो कर देंगे कैंसर, लेकिन उसकी रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और जो अगर इन केस कोई माइक्रो मेटास्टेसिस है तो उसको प्रिवेंट करने के, उसको किल करने के लिए न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। और जो एडजुवेंट थेरेपी होती है दैट इज के सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव कर दिया, ठीक है, और उससे पहले रेडिएशन देकर हमने ट्यूमर साइज को कम किया, सर्जरी करके ट्यूमर को एक्साइज कर दिया, और उसके साथ अलोंग विद इट कीमोथेरेपी दी है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लोकल एंड सिस्टेमिक रिकरेंस और इम्प्रूव डिजीज फ्री एंड ओवरऑल सर्वाइवल, ताकि डिजीज रिकरेंस ना हो दोबारा से, और हमारे पास इन केस अगर कोई और मेटास्टेसिस या कुछ इस तरह से है तो वो प्रिवेंट कर सके, तो दैट इज एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है जी। ठीक है, और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है ना वो ज्यादातर उससे यानी सर्जरी से पहले दी जा रही होती है ताकि ट्यूमर साइज को कम किया जाए, पहले नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देके ट्यूमर साइज को कम करते हैं और फिर उसको ट्यूमर को एक्साइज करते हैं, दैट इज नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। और जो हम बाद में दे रहे होते हैं एक्सीजन के बाद तो वो होती है दैट इज एडजुवेंट कीमोथेरेपी। अच्छा जी, अब है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी, तो एंटी कैंसर ड्रग्स में या एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स अकेली अकेली नहीं दी जा रही होती हैं, बल्कि देयर इज जो कीमोथेरेपी होती है दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज करने का हमें फायदा क्या होता है कि इंक्रीजेज लोकल मार्किंग, ठीक है जी। जब मतलब ज़्यादा ड्रग्स जब ऐड करेंगे तो लॉक किल इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा आएगा, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, वो साइनर्जिस्टिकली ऐड करेंगी तो हमारे पास ऑब्वियसली उनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। और लेकिन एक थोड़ा सा इसका एडवर्स इफेक्ट ये हो सकता है कि वो डिवाइडिंग और रेस्टिंग सेल्स, अच्छा अगर हम सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स को इन कॉम्बिनेशन यूज करें तो इसका ये फायदा होगा कि जो मतलब जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है वो डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स पैक कर लेंगी और जो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है वो रेस्टिंग कैंसर सेल्स पैक कर लेंगी, ये भी एक फायदा है कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करने का। लेकिन एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि इस तरह से जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उन पे भी इफेक्ट आए, ठीक है जी। अच्छा, अब जो कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी यूज करने के लिए हमारे पास फोर प्रिंसिपल्स हैं, तो अगर जो हम कॉम्बिनेशन में एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स यूज करें अगर तो वो इन चारों प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए तो फिर हम उसको एज कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं। पहला क्या है कि ईच ड्रग शुड बी एक्टिव व्हेन यूज अलोन अगेंस्ट द पर्टिकुलर कैंसर, तो जितनी ड्रग्स हम किसी एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करें उनमें से हर एक अलहदा भी उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोलन कार्सिनोमा के अगेंस्ट कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं तो और कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी देने लगे हैं तो उसमें एक एक अलग मतलब एक एक ड्रग जो हम दे रहे हैं वो कोलन कार्सिनोमा के अगेंस्ट उस एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए अगेंस्ट कोलन कैंसर,
और हर एक का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, और इन उन ड्रग्स की आपस में जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमल, ठीक है, और उनके डिफरेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर सेम टॉक्सिक इफेक्ट्स हो गए तो वो तो टॉक्सिक इफेक्ट्स में फिर डबल हो जाएंगे, ठीक है। रेस्क्यू थेरेपी में ये है कि कुछ हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, दे आर कुछ नहीं है तो सारी ही साइटोटॉक्सिक और इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा, और वो हम आगे देखेंगे कि क्या है, लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट्स को हम काउंटर भी कर सकते हैं, जैसे अगर मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो दैट इज फॉलिक एसिड एंटेगनिस्ट, ठीक है, नहीं डाइहाइड्रोफोलेटेज रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है मेथोट्रेक्सेट, तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को प्रिवेंट करिए, तो फॉलिक एसिड तो हमारे पास जो नॉर्मल एरिथ्रो हिमाटोपोइसिस हो रही होती है उसमें भी चाहिए होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब अगर फॉलिक एसिड सिंथेसिस बॉडी में प्रिवेंट करती है तो जो हमारे पास मेच्योरिंग सेल्स हैं ये हिमाटोपोइसिस है वो इफेक्ट होती है, इस वजह से हम जब मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो फिर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को कंटिन्यू रखने के लिए ल्यूकोवारिन देते रहते हैं। ल्यूकोवारिन इसको फॉलिनिक एसिड भी कहते हैं, और ये क्या करती है कि दिस रिजल्ट्स इन रेस्क्यू ऑफ द नॉर्मल सेल्स बिकॉज ल्यूकोवारिन बाईपासेस द हाइड्रोफोलेटेज रिडक्टेज स्टेप इन फॉलिक एसिड सिंथेसिस। ल्यूकोवारिन उस स्टेप को बाईपास करके फॉलिक एसिड सिंथेसिस किसी और तरीके से करवा देती है बॉडी में, ठीक है, तो इस तरह से ये है कि बॉडी को फॉलिक एसिड मिलता रहता है। फिर एक जो साइक्लोफॉस्फामाइड है ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करती है, सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करती है साइक्लोफॉस्फामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है साइक्लोफॉस्फामाइड का, इसका एमसीक्यू आता होता है, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेसना देते हैं दैट इज मरकेप्टो इथेन सल्फोनेट, ठीक है जी। और जो कार्डियक टॉक्सिसिटी है एंथ्रासाइक्लिन्स की उसको प्रिवेंट करने के लिए डेक्स रेजोक्सेन देते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब पर्टिकुलरली एंटीन्यूरोप्लास्टिक ड्रग्स पे आ जाते हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास, सबसे पहले हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में है जी क्लोरामबियोसिल है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, और मी क्लोरो इथेमाइन, ठीक है जी, क्लोरामबियोसिल है, साइक्लोफॉस्फामाइड है और मी क्लोरो इथेमाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास अल्कालेटिंग एजेंट्स में ही है नाइट्रोसो यूरियास की, उसमें आते हैं कार्मोस्टीन और लोमोस्टीन। थर्ड क्लास है अल्काइल सल्फोनेट्स की जिसमें ब्यूसल्फैन है, और कुछ अलग से अल्कालेटिंग एजेंट्स जो हैं दे आर सिसप्लेटीन, डेकार्बाजीन और प्रोकार्बाजीन, ठीक है जी। और ये जितने भी अल्कालेटिंग एजेंट्स हैं दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। फिर अच्छा अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का इकट्ठा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दिया उसने, वो ये है कि दे फॉर्म रिएक्टिव मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट अल्काइलेट न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स ऑन डीएनए बेसिस पर्टिकुलरली द N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन, दिस लीड्स टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ बेसिस, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग एंड डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज, ठीक हो गया, कि ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक डीएनए पे जो हमारे पास बेसिस होती है ना उस पे आप लोगों को पता ही होगा उस पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है ना जिन्होंने उसको अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप्स को अट्रैक्ट करना है, तो ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये उन डीएनए बेसिस के साथ इंटरेक्ट करती है और उनको अल्काइलेट कर देती है, ठीक हो गया, और इस तरह से दे एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होती है, एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग ऑफ द बेसिस होती है, और डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी, मतलब कि डीएनए जो है उसको स्ट्रक्चर उसका मॉडिफाई हो गया है सारा, तो दिस विल रिजल्ट इन द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द सेल्स होगी ना, मतलब सेल्स पे अल्टीमेटली जब उनका स्ट्रक्चर ही नहीं रहा तो वो किल हो जाएंगे, सही है, ये बात आ गई समझ कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है वो डीएनए की बेसिस को अल्काइलेट कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से फिर ये जो बेसिस है इनकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होती है, और डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं।
मैम ये रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा जी, मैंने कहा कि जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये डीएनए की बेसिस को अल्काइलेट कर देते हैं, ठीक है जी। डीएनए की बेसिस को अल्काइलेट कर देते हैं और उसके बाद देयर इज क्रॉस लिंकिंग ऑफ बेसिस हो जाती है एंड देयर इज एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होती है और डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, सही है। और जब डीएनए का मैम देखो सारी जो हम न्यूक्लासिक ड्रग्स पढ़ेंगे ना, जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ेंगे उन सब वो सारी साइटोटॉक्सिक हैं, उन्होंने अल्टीमेटली सबने ही सेल्स को किल कर देना है, सेल्स को मजीद यानी उनको स्टेबल नहीं रखना, उनको किल कर देना। दे ऑल आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी न्यूक्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर न्यू हाँ एंटी कैंसर ड्रग्स आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इनका अल्काइलेटिंग एजेंट्स का क्या साइटोटॉक्सिटी का एक्शन है, क्या साइटोटॉक्सिक एक्शन है, वो ये है कि ये अल्काइलेट कर देती है डीएनए की बेसिस को और फिर एबनॉर्मल डीएनए बेस पेयरिंग होती है, डीएनए स्ट्रैंड्स में ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम, समझ आ गई है। हाँ, अब ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स का यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इन सब ने ही अल्काइलेट कर देना है डीएनए बेसिस। अब पर्टिकुलरली देख लेते हैं साइक्लोफोस्फामाइड। तो साइक्लोफोस्फामाइड की जो है ना इसकी एक्टिवेशन होती है इन द बॉडी और इसका जब यानी लिवर से ये मेटाबोलाइज होता है और इसकी मेटाबॉलिज्म में एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इसका बनता है एक्रोलीन, और एक्रोलीन ही होता है जो कि ब्लड में एक्यूमुलेट कर जाता है और फिर वो एक एडवर्स इफेक्ट अभी जो हमने डिस्कस किया था हेमरेजिक सिस्टाइटिस वो कॉज करता है। एक्रोलीन जब यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर है हमारे पास क्लिनिकल यूज की, कहाँ कहाँ यूज हो रहा था साइक्लोफोस्फामाइड, तो वो ल्यूकीमियाज में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स में, न्यूरोब्लास्टोमा में, एडवर्स इफेक्ट्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, माइलोसुप्रेशन, एलोपेशिया, हेमरेजिक सिस्टाइटिस द इम्पॉर्टेंट वन, और इसके अलावा कार्डिक डिसफंक्शन भी कॉज कर सकती है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और एस आई ए डी एच सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायोरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है। मतलब कि एंटी डायोरेटिक हार्मोन की इन अप्रोप्रिएट सिक्रीशन हो जाती है जो कि किसी पिट्यूटरी ट्यूमर या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से किसी स्टिमुलस की वजह से नहीं हो रही होती बल्कि वो साइक्लोफोस्फामाइड की वजह से इंक्रीज या इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन की